गुल ने इरफान की मदद की है? हाँ अली, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था। आलियान साहब, ये आपके घर के कागजात भी अब मेरे। शायद आप भूल रहे हैं अली, देखो जरा, वाकई भूल गए आप तो। ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं। हुआ भी वही जो मैं चाहती थी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भाई के टुकड़ों पर पड़ी रहोगी? सब ऐशो आराम तो अभी भी मेरे पास ही है। अम्मी, क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कि दो दिन का अल्टीमेटम देकर आए हैं उन दोनों बहन भाइयों को कि अपना घर खाली कर दें शराफत से। वो क्यों खाली करेंगे अपना घर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्योंकि वो घर आलिया मेरे नाम कर चुके हैं और वो घर अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पता नहीं दोनों क्या चाह रहे हैं, पागल हो गए हैं ये दोनों। या अल्लाह, हमसे क्या गलती हो गई? हमने किसी के साथ क्या ज्यादती की है? एक के बाद एक धोखा मिल रहा है। जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया, माँ बाप का प्यार दिया, जिसके लिए मैं अपनी सारी जिंदगी तबाह करने के लिए तैयार रहा, बीचन जब उसी ने धोखा दे दिया तो मैं किसी से क्या कह सकता हूँ? भाई मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं तुम्हें? धोखा दिया तुमने मुझे, तुम जानती हो तुम्हारी इतनी सी गलती ने मुझे कहां से कहां ला खड़ा किया? समझ सकती हो तुम? नहीं, तुम कैसे समझोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं चला क्यों मिली तुम इरफान से जाकर? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाती रही ये बात तुम्हारे से? बोलो। भाई, मैं नहीं चाहती थी कि झगड़ा हो। बकवास बंद करो अपनी। पीछे से कह चली जा मेरी नजरों के सामने से। अच्छा, अपने आप को संभालो तो। कैसे संभालूं मैं? पीछे से कह चली जा यहां से, चली जा मेरी नजरों के सामने से। भाई प्लीज, आप हौसला रखिए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस बस गुड़िया, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा ना चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। हेलो, क्या हाल है रब्बी? तुमने हाल पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तुमने वो कर दिया जो करने का बहाना मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत सुकून में आ गया हूं मैं। यू नो व्हाट गर्ल, तुमसे गिरा हुआ और घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, जिसने अपनी बहन का घर ही बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करवाया, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी।
एक भाई होने के नाते अपनी बहन का साथ दिया है। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं तुम्हें? धोखा दिया है तुमने मुझे। क्यों मिली तुम इरफान से जाकर? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाती रही ये बात तुम्हारे से? तुमने अम्मी को तो बता दिया है ना सुंदस? सुंदस, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही और तुम यहाँ हो? तुम्हें तलाक हुई है, तुम इद्दत में हो। अम्मी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप और कौन सी इद्दत? अगर आली मुझे तलाक नहीं देता तो मैं उससे खुद ले लेती। तुम खुद ले लेती या आली दे देता, इद्दत तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। ओफो अम्मी, क्यों परेशान कर रही हूँ उसे? आप इधर है, मेरी बात सुने। क्या हो गया अम्मी? ऑफिस नहीं पहुंचे अभी तक यार। इब्राहिम साहब आ रहे हैं वहां पे। सर वो ऑफिस अब तक लॉक है। व्हाट? लॉक है? सर वो कीज जो है गुल साहब अपने साथ लेके गए हैं और उन्होंने मना किया है कि ऑफिस नहीं खुलेगा। गुल अब ऑफिस नहीं आएगा, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम डुप्लीकेट चाबियां लो और ऑफिस खोलो अभी। सर डुप्लीकेट कीज भी वो अपने साथ ले गए। ओह गॉड, लड़कों को बुलाओ और तोड़ दो ताला। जी सर। जल्दी। आली के साथ ना रहने का फैसला तो मैंने उसी दिन कर लिया था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था, मारा था मुझे। ठान ली थी मैंने इसका बदला लिए बगैर चैन से तो नहीं बैठूंगी मैं। तो ये था सारा चक्कर जो गुल और तुम दोनों मिलकर चला रहे थे। लो भाई, और हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ आरिश ने परीसा को तलाक दे दिए इसलिए गुस्से में आके आली ने सुंदस को तलाक दे दी। हाँ, लेकिन आली ने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि गुल ने परीसा और इरफान का भांडा फोड़ दिया था। मैंने जो कुछ भी किया और अब तक जो कुछ भी हुआ है सब मेरे हक में बहुत बेहतर हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, और वैसे भी परसों आली को वो घर मेरे हवाले करना है और वहाँ शिफ्ट होने के बाद मैं आप सबकी बहुत अच्छी दावत करूँगी। हाँ, और मिलके खूब हल्ला गुल्ला भी करेंगे हम। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? उसने बहन को तलाक दी है और तुम्हें हल्ले गुल्ले की पड़ी हुई है। क्या हो गया अम्मी आप?
मैं बहुत खुश हूँ। कोई रोने धोने और हंगामा करने की तो जरूरत है ही नहीं। बस ये सोचे कि दो दिन बाद हम इस छोटे से घर को छोड़ के एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं। कमाल है भाई। कुछ अर्सा पहले यहीं खड़े होकर मैंने आपसे परीसा का हाथ मांगा था। आज यहीं खड़े होकर मैं परीसा का हाथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा हूं। बुखार कम हुआ? मुझे नहीं लगता। या अल्लाह, ये तो और तेज हो रहा है। अच्छा, मैं पट्टियां लेके आती हूँ पानी की और यखनी बना के लाती हूँ, प्लीज पी लीजिएगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दो दिन में सहरिश को, परीसा को, बीजान को लेकर मैं कहां जाऊंगा? मुझे पता है अली, ये वक्त बहुत परेशानी का है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि लोग जो चाहते हैं मेरे साथ करके चले जाते हैं? ऐसी बात नहीं है अली, एक्चुअली तुम बहुत मासूम भोले भाले हो ना, लेकिन अली लोग बहुत चालाक हैं। और जहां तक तुम्हारे रहने का सवाल है तो मेरा फ्लैट हाजिर है। थैंक यू सो मच यार, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। मैं अपने स्टेट एजेंट को कॉल करता हूँ, वो कोई ना कोई घर अरेंज कर देगा मुझे। वैसे मेरे एक दोस्त का अपार्टमेंट है, वो रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हुआ है, फुल फर्निश्ड अपार्टमेंट है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, वो तुम्हें रेंट पे दे देगा। ओके, तुम बात करो उससे और जितनी जल्दी हो सके इसका अरेंजमेंट करो। और दूसरी बात ये कि गुल ने इस ऑफिस को लॉक क्यों किया हुआ था? इसके बीच में जरूर गुल की कोई साजिश होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये शोरूम में तुमसे हथिया चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो जी बीजान, क्या? ओह गॉड, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं भी घर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या वाली सब खैरियत? हाँ यार, वो परीसा को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम प्लीज जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करो घर का। ओके, डोंट वरी आली, तुम जाओ, मैं तुम्हें एक घंटे में कंफर्म करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। यू वेलकम।
मुझे मेरी नजरों के सामने से। भाई प्लीज आप हौसला रखें प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। परीसा, परीसा, आलिन, 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 परीसा, आलिन से रोको, दरवाजा खोलो परीसा, खोलो। भाई नहीं, भाई मुझे बाहर जाने दे भाई। खोलो, क्या करेंगे तुम? भाई मुझे बाहर जाने दे। पागल तो नहीं होगे? भाई मुझे छोड़ ना, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मुझे छोड़ भाई। छोड़ो इससे मैं कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने का मकसद, मेरी जिंदगी से चली जाऊंगी तो क्या रह जाएगा? मैं ये नहीं सोचा क्या रह जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली इस तरह से भी कर सकती है। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है उसका। सुन्नस ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से गुल ने उसका साथ दिया, मुझे मुझे बहुत शदीद गुस्सा है उन पर, बहुत अफसोस है मुझे, शर्मिंदगी है। आली, मेरा दिमाग माउफ हो चुका है ये सोच सोच के कि आखिर वो इतना बड़ा खेल कैसे खेल गए तुम्हारे साथ, परीसा के साथ। क्या कर सकते हैं महरूस भाई, प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ परीसा। क्या रिश्ता रह गया उन लोगों से हमारा जो आप उस घर में जाके बैठे? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उसके साथ, एक ऐसा रिश्ता जो ना कभी कमजोर पड़ सकता है ना टूट सकता है। आज से मालिक मैं हूँ शोरूम का,
तुम सबका, तुम सब लोग मेरे मुलाजिम हो। आली के शोरूम के पेपर्स तुमने धोखे से अपने नाम करवा लिए ना, वो शराब सभी हवाले कर दो। कितना बदल गया ना भाई सब कुछ।